यूपीएससी में अप्रोक्स 9 से 12 लाख बच्चे होते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी में इस टाइम इस क्षण 9 से 12 लाख बच्चे लगे हुए हैं डायरेक्टली जो यूपीएससी को तैयारी कर रहे हैं। सीट होती हैं 700 से 1000। कितनी सीट हैं? 700 से 1000। ये मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी, बहुत रेपुटेटेड एग्जाम है। देखिए बात समझिएगा, अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं अभी, तो इस सिंगल टाइम में 25 से 35 लाख बच्चे डायरेक्ट एसएससी सीजीएल को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर मैं इसमें सीट्स की बात करूं तो 7000 से 13000 तक इसमें सीट आती है, इससे ज्यादा आने का कोई मतलब नहीं। अगर आप सीडीएस की बात करोगे तो एट ए टाइम 1 से 1.5 लाख बच्चा तैयारी करता है सीडीएस की, जो सीडीएस को पढ़ के पूरी मेहनत कर रहा है सीडीएस के लिए। और सीट जो होती है वो 150 से 250 सीट होती है। अगर आप कहोगे सर रेलवे बहुत है, बहुत अच्छा, तो रेलवे में इस टाइम अगर रेलवे की बात करूं तो 2 से ज्यादा लोग रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग। और सीट जो होती है, रेलवे की वैकेंसी हर साल नहीं आती, लेकिन सीट आएंगी तो 50,000 से 1 लाख तक के बीच आएंगी। 2 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ बोलना चाहिए मुझे। ये हाल है, ये कड़वी सच्चाई है। ये कौन कह रहा बेटा यूपीएससी आसान है? इस पे बाप बैठा हुआ है, सब ऐसा ऐसा बालक बैठा हुआ है जिसे यूपीएससी की एनसीईआरटी किताबें ना ऐसे बोलेगा और ऐसे कहानी सुनाना शुरू करेगा तुम्हें। चलता फिरता गूगल है वो छोटा, ऐसा बालक भी है हिंदी वाला जो है, जो बिहारी मेहनती बच्चे हैं बिहार से। ये देखिए कौन कहता है सीजीएल आसान है, ये तो यूपीएससी से भी कठिन हो गया। क्या इनमें कोई भी आसानी है? कोनो आसान नहीं, रेलवे का एग्जाम भी नहीं, लेकिन मेहनत करो, सही दिशा में मेहनत करो और ऐसी मेहनत करो कि जिससे रिजल्ट निकले। देखिए अगर आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, केवल नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, तो ऐसे पढ़ो कि केवल नौकरी निकले। नॉलेज के हटाओ और पीएचडी को हटाओ, अभी कुछ अपने उत्थान के लिए हटाओ। अगर आप केवल नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ो कि केवल रिजल्ट आए, वही पढ़ो जिससे नंबर आए। ये कड़वी सच्चाई, इसको एक्सेप्ट करो। केवल हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क चाहिए। स्मार्ट वर्क जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कभी किसी काम नहीं आता। हाँ लेकिन फिर भी देखिए, जो आप ये पढ़ रहे हैं, मैंने आपको ये सब चीज पढ़ा है, क्या कभी इसका कोई काम आएगा? रेलवे में, कोई एसएससी में, किसी भी जॉब में कोई काम आएगा? नहीं काम आएगा। पर फिर भी गवर्नमेंट ये सब क्यों पूछती है? इसलिए पूछती है कि गवर्नमेंट का एक बेंचमार्क है कि जिस बच्चे में इतना दिमाग नहीं है कि वो ये सब चीजें समझ पा रहा है, तो वो फील्ड पे सड़क पे उतर के जब उसके सामने 4-5 ठेकेदार अपने गुंडे लाके खड़ा कर देगा, वो काम नहीं करेगा, तो कैसे उनसे काम करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा।